के ऐसे हत्यारों को वोट ना दे, मेरी जनता से राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है। घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रनेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न ऑन बजाया, इतने में उनकी गाड़ियां आ गई। तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को, कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियाँ। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया, और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनके पैर में गाड़ी लगी, वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है, और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है, और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे, मेरी जनता से राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग कानून लेने अपने हाथ में विवश हो सकते हैं। हाँ, मैंने आवेदन दे दिया है। आवेदन देने के बाद में मुझसे बोला गया है कि आप थोड़ा रुकें, जब तक हमारे पास में वो वहाँ से डॉक्टर का वो नहीं आ जाता है। कितने लोगों की संख्या रही होगी सर? लगभग 50 लोग रहे थे। नमस्कार, मैं आप सभी के बीच में एक बात रखना चाहता हूं। आज जब मैं सुबह मतदान के लिए उठा तो मुझे पता चला फेसबुक के माध्यम से कि माननीय विधायक जी के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी गाड़ी के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई है। मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की विधायक जी के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है या मौत पर राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ और जनता जनार्दन से भी यह अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कोई भी अफवाह में ना पड़े। ये हमेशा झूठ की राजनीति करते आए, 20 साल हो गए, जनता जाग चुकी है। ये भगवान से झूठ बोलने से नहीं डरते, तो ये तो इंसान है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि आप इस प्रकार के कोई भी भ्रम में ना पलें, यह मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये मौत पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते हैं। मेरा यहाँ पर आप सभी से कहना है कि मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो मैं प्रशासन से भी यह आग्रह करता हूँ कि इसकी जो न्यायिक जांच हो वो कराई जाए और दोषी पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बता दूँ कि लगभग कल इनने पूरे दिन विधायक जी के गुर्गों के द्वारा और विधायक जी के द्वारा
तांडव किया गया, यहाँ तक कि रानी साहब के द्वारा रात को 11 बजे नए गांव में जाकर के 10 गाड़ियों के द्वारा जाकर के वहाँ पर हमला टाइप किया गया। लोग वहाँ से भागे बेचारे, एक भमीठा में जाकर के इनके लोगों ने इस एक जो हमारा कार्यकर्ता था उसके गर्दन पर तमंचा रखा और कहा कि चले जाओ घर, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गोरा में एक अहरवार समाज के हमारे भाई हैं, उनको छेक करके उनको रास्ते में रोक करके उनको भी हमला करने के लिए प्रयास किया, वो बेचारे दौड़ करके भागे। यह सब शिकायतें मैंने SDOP साहब से भी की, चारों बार मैंने TI साहब को भी फ़ोन लगाया, लेकिन यह अपने करतूतों से नहीं माने। फिर लास्ट में मुझे ये पता चला है कि रनीफॉल रोड पर जा रहे थे, इन नशे के धुत में सभी लोग भयानक नशे में थे, विधायक जी भी नशे में थे और इनों की गाड़ियां टकरा गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका जिम्मेदारी मुझे ठहरा रहे हैं। मैं फिर यही कहूंगा प्रशासन से कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे सजा दी जाए, नहीं तो अगर ये दोषी हैं तो इनको भी सजा दी जाए।